नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बहुत ही अद्भुत, विचित्र और रहस्यात्मक बात बताने जा रहे हैं, जो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं सुनी होगी। वो यह है कि अभी अपन सभी लोग, हम लोग जिन देवी देवताओं को किसी ने देखा नहीं, जो शरीर से इस मृत्यु लोक पे नहीं है, उनकी पूजा पाठ आराधना करते आते हैं और करते आ रहे हैं। बहुत अधिक साधना तपस्या करने के बाद कुछ आंशिक रूप से फल प्राप्त होता है, क्योंकि उनका अपन ने आकार देखा नहीं और मृत्यु लोक पर वो जो शरीर से देवता स्वरूप हैं, उन सात जो अजर अमर हैं, सात व्यक्ति, उनमें से एक हनुमान जी का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा, जो इस समय भी मृत्यु लोक में सशरीर हैं। इनकी आराधना करने से तत्काल ही लाभ प्राप्त होता है। जिस कामना से हम उनकी आराधना साधना करते हैं, वह फल हमको भगवान श्री राम जी की कृपा से वह प्राप्त कराते हैं, हनुमान जी। लेकिन उनके रूप गुण पराक्रम से लोग भयभीत भी रहते हैं कि कहीं नाराज नहीं हो जाएं। लेकिन आज मैं एक ऐसे दिव्य सशरीरधारी देवता तुल्य व्यक्ति की बात करता हूं। व्यक्ति इसलिए कि अभी वो मृत्यु लोक में है, देवता स्वरूप है, ब्राह्मण पुत्र है, महाभारत काल में द्रोणाचार्य जी के पुत्र श्री अश्वत्थामा जी का आज मैं आपसे बात करता हूं। अश्वत्थामा जी के नाम से सभी लोग परिचित होंगे या नहीं होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बतलाता हूं कि द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा जी आज भी सशरीर इस मृत्यु लोक पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। ये कथा आती है महाभारत में कि अश्वत्थामा जी ने राजा अभिमन्यु के गर्भस्थ जो शिशु थे, उनको मारने के लिए अश्वत्थामा जी ने उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश करके उसको नष्ट करना चाहा था। उस समय भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस गर्भ की रक्षा की, जो कि परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्हीं के संबंधित यह बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि अपन हम लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत उपाय करते हैं। बहुत अधिक समय के बाद भी अल्प मात्रा में हमको उसका लाभ मिलता है, पर आज ऐसे एक देवता तुल्य पुरुष की बात करता हूं कि वह किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने उनके मस्तक पर जो स्मयन तक मणि लगी थी वह निकाल ली थी तीर के द्वारा, तो आज भी वह उनके माथे पर वह घाव है और वह उससे पीड़ित रहते हैं, उससे पीव खून बहता रहता है, वह तकलीफ में रहते हैं, हैं अमर, लेकिन अमरता उनके लिए अभिशाप है। अब उनको यदि किसी प्रकार से उस घाव में शांति मिले तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और वर भी प्रदान करते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक उपाय बताता हूं, ध्यान से सुनिए। 5 गुलाब के ताजा फूल और दही, ये दो चीज आपको लेना है, और एक मिट्टी का पात्र लेना है पूरा, उसमें एक एक फूल रखें और अश्वत्थामा जी का नाम लेकर
आइए, आप यह आपकी शांति के लिए आपको भेंट कर रहे हैं, आप इसे ग्रहण करें। एक फूल रखें, इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, पांच फूल ऐसे दही में लगाकर और ऊपर से दही रखकर उस पात्र को मिट्टी के एक किसी निर्जन स्थान पर जाकर रख दें या अपने घर की छत पर रखें तो भी चल सकता है। तो इस प्रकार कुछ दिन तक करने से वह अश्वत्थामा जी को उस घाव में उनको शांति मिलती है और किस शख्स ने, किस व्यक्ति ने उनके लिए यह कार्य किया है या कर रहा है वह उस पर प्रसन्न होते हैं और वरदान भी प्रदान करते हैं, चाहे स्वप्न में आकर चाहे साक्षात आकर। यदि आपकी श्रद्धा विश्वास बहुत सही और समर्पित भाव से आपने ये पूजा उनकी आराधना की तो वो निश्चित रूप से सशरीर आकर साक्षात आपको दर्शन देकर भी वरदान प्रदान कर सकते हैं। ये बात आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, ये एकदम रहस्य और सकारात्मक सच्ची बात है जिसको हम आपको बता रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं। और इससे भी संबंधित बात यह है कि अश्वत्थामा जी का जो नाम लेते हैं उसी समय वह वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि वह बहुत तेज सुनते हैं, उनको सुनाई बहुत तेज देता है। चाहे अभी हम आपको जितनी बार भी नाम ले रहे हैं इसका मतलब ये समझना कि इस समय वह हमारे पास में ही हैं। नाम भर लेने से वह उपस्थित हो जाते हैं। तो दोस्तों यह आपको मैंने उनके प्रसन्न करने की एक अद्भुत विधि क्रिया और बहुत ही सरल बताई है, इसको आप करें और लाभ लें। और आपको इसका यदि कोई अनुभव हो तो आप फिर मुझसे शेयर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप यह कार्य करेंगे, आपको उसका अनुभव भी प्राप्त होगा। दूसरा, हनुमान जी के विषय में मैंने आपसे बोला था शुरू में, तो किसी भी कार्य के लिए आप घर से निकलते हैं तो आप हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करके निकलिएगा। चाहे आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो या किसी व्यापार बिजनेस से संबंधित बात करने जा रहे हो या किसी नौकरी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या वैसे ही किसी कार्य से आप घर से निकल रहे हैं तो आप हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करके निकलिएगा, आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। तो वह हनुमान जी के 12 नाम इस प्रकार हैं: ओम सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः। इस प्रकार से आप नेट पर या किसी भी जगह पर इस प्रकार उनके नाम देख सकते हैं 12। तो इन 12 नामों को आप लेकर निकलेंगे घर से। आपको यदि जानकारी लेना है तो इन 12 नामों के लिए आप मुझसे संपर्क करेंगे, मैं आपको बताऊंगा और उसकी विधि भी बताऊंगा फिर, जो कि गोपनीय है। नमस्कार दोस्तों।